वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस, एंड काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड वॉच द वीडियोस टिल एंड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का न्यू चैप्टर क्लास 10, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज मींस राजनीतिक दल। हमने 9th क्लास के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी होती हैं हमारे लिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जब आती हैं तो कंपटीशन अराइज होता है। हर कोई जब भी कोई भी कंपटीशन अराइज होता है तो हर कोई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर आप यहाँ कह के चले तो, देने की कोशिश करता है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ अपनी पॉलिसीज होती हैं जिनके ऊपर सबको एग्री करना पड़ता है, और उनको ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो कि किसी भी लोकतंत्र के नागरिकों के हित में हो हमेशा ही। तो जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं तो कंपटीशन अराइज होने से अच्छी चीजें देश में सोसाइटी के लिए होती हैं, और लोग उन्हीं लोगों को वोट देकर चुनते हैं, उन्हीं पार्टी को वोट देकर चुनते हैं जो कि सामर्थ्य रखती हैं, सही मायने में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने वायदे जो किए हैं उन्होंने, या जो भी उन्होंने पॉलिसीज अनाउंस की थी, जो अनाउंसमेंट्स थी उनकी, उस पे वो खरी नहीं उतर रही हैं, गवर्नमेंट में आने के बाद वो उस काम को पूरा नहीं कर रही हैं, तो आफ्टर 5 ईयर और बाय इलेक्शन के थ्रू भी क्या करा सकते हैं, पार्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक होनी चाहिए, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, बहुत होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए, क्यों जरूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर 100 साल पहले की अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर हम हिस्ट्री को एक बार यहाँ पे लिंक करके देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद कर लेते हैं 9th क्लास में, कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जेकोबिन क्लब्स फॉर्म हुए थे। वो जेकोबिन क्लब्स क्या थे? दोज वर द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे ही धीरे 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 पूरी कंट्रीज के अंदर, वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर पार्टी सिस्टम आया। 100 साल पहले क्या था कि किसी किसी देश के अंदर पार्टी सिस्टम फॉर्म हो रहा था, लेकिन आज के टाइम अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो पार्टीज कोई एकाध ही कंट्री है जिसके अंदर पार्टी सिस्टम नहीं है, अदरवाइज हर कोई कंट्री क्या हो चुकी है, डेमोक्रेटिक हो चुकी है, और उसके अंदर पार्टी सिस्टम है। इट मे बी वन पार्टी सिस्टम और मैनी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे आगे कि पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, एक पार्टी सिस्टम होना सही होता है किसी भी कंट्री के लिए, या बहु पार्टी सिस्टम होना, मैनी पार्टी सिस्टम होना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या रेज होता है चैप्टर के स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले होता है व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल है क्या, ठीक। उसके बाद है नेम 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या कौन से आप कहें तो लेवल होते हैं जिस बेस पे वो काम करती है। और नेक्स्ट है व्हाट इज अ पार्टीजन, पार्टीजन क्या होता है, कौन होता है, या हु इज अ पार्टीजन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों के लिए एक ही क्वेश्चन फॉर्म होता है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन एनी कंट्री। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, चाहे तीनों सेपरेट होके आए, या ये अकेला आ जाए, या इम्पोर्टेंस आपसे पूछ ली जाए, यू हैव टू राइट दिस आंसर ओनली, ओके। तो क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल पार्टी का आंसर देते हैं, ये एक ग्रुप होता है लोगों का, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। आप अपनी लोकेलिटी में कोई भी इलेक्शन जब होता है, अगर आप रूरल एरिया में हैं तो वहां का इलेक्शन ऑब्जर्व करेंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद, और अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो वहां का इलेक्शन ऑब्जर्व करेंगे, और अगर आप सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म हो रही तो उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। आप देखना कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज आती हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज को अनाउंस करती हैं, वो लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। ये आगे बताएंगे कि लोगों के ग्रुप में कौन कौन से लोग होते हैं जो पॉलिसीज का वायदा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, किस एजेंडा तैयार करते हैं कि किस प्रोसेस के तहत वो उसको क्या करेंगे, अपना मतलब प्रोग्रेस में लेके आएंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो इलेक्शन लड़ने के लिए एक साथ आते हैं, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और अगर वो जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट में पावर में आ जाते हैं, मीन्स दे फॉर्म द गवर्नमेंट, ओके, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, या लोकल लेवल पे है,
क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि नेम थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैं पहले इसका आंसर आपको देती हूँ कि तीन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। देखिए कोई भी पार्टी जब फॉर्म होती है तो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली तत्व होते हैं आप कह सकते हैं। सबसे पहले होते हैं द लीडर्स, जो चीफ लीडर्स होते हैं, मेन लीडर्स आप जिनको कह सकते हैं, जिनका पार्टी के ऊपर पूरा होल्ड होता है, आप ये कह सकते हैं, हेड भी कह सकते हैं। द एक्टिव मेंबर्स, उनके नीचे होते हैं एक्टिव मेंबर्स की जो भी पॉलिसीज डिसाइड की जाती है। मान लो यहाँ से एक आदमी ये हो गया, इसके नीचे कई सारे आदमी फिर हो जाएंगे यहाँ पे कि जो डिसीजन ली जाइए, ये वन या मोर देन वन भी हो सकते हैं। उसके नीचे फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मे बी 50, 100, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। उसके नीचे फिर बिल्कुल लोकल लेवल पर क्या होते हैं, फॉलोअर्स, जो कि हर सिटी हर गांव, मतलब बिल्कुल बेस रूट पर वो होते हैं। अगर एग्जांपल ले यहाँ पे एक पार्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी ही बड़ी बड़ी पार्टी मानी जाती है, पूरे नेशनल लेवल पर है ये। तो हेड अगर लगा के चले तो आज के टाइम किसको माना जाता है, जो नेहरू फैमिली है या गांधी फैमिली है उसको लेके चलते हैं। उनके नीचे उनके मेन जो लीडर्स होते हैं वो उनकी जो बातों को विचार विमर्श करने के बाद क्या लाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। और हर सिटी हर विलेज के अंदर जो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को फॉलो करने वाले, वो क्या कहलाएंगे, फॉलोअर कहलाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस और यू कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द लीडर ऑफ द पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ पार्टीजन। पार्टीजन क्या होता है। अब यहाँ पे बात हुई कि लीडर्स होते हैं, देन एक्टिव मेंबर्स होते हैं, देन फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी फॉलोअर जो फर्मली किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करता है, लाइक कि अगर मैं ही कहती हूँ कि मैं बीजेपी को फर्मली फॉलो करती हूँ, आई एम द फर्म फॉलोअर बीजेपी, या मैं कहूँ कि मैं कांग्रेस को फर्मली फॉलो करती हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगी, एक पार्टीजन कहलाऊंगी। गुट आप कहें या किसी पक्ष को फॉलो करने वाला। तो अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू अ पार्टी, जो किसी एक पार्टी से कमिट रखता है, वायदा बना के रखता है कि मैं आप ही को वोट दूंगा, आप ही की पॉलिसीज को फॉलो करूंगा। ग्रुप और फैक्शन, फैक्शन क्या होता है, यहाँ पे गुट या समूह कह सकते हैं, इज कॉल्ड अ पार्टीजन। वो क्या कहलाता है, पार्टीजन कहलाता है। वन मार्क में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। ये भी आ सकता है वन मार्क में कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट और गिव द नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये वन वन मार्क के हिसाब से आपके कंप्लीट हो गए। अगर ये थ्री मार्क्स में आता है तो यहाँ से स्टार्ट करके आप इसको ऐसे प्रोग्रेस में ले जाते हुए आप इसको एलोबरेट करेंगे। ठीक है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट। अब ये पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, इलेक्शन भी जीत लिया इसने, और ये किस में आ गया, पावर में आ गया, गवर्नमेंट के अंदर। काम क्या करते हैं ये, किस तरीके से ये फॉलो करते हैं अपने स्ट्रेटजीज को। सब पॉलिसीज ये बना के चलते हैं कि मान लो कि बेरोजगारी का ही आप लेके चलो मुद्दा, कि हमें बेरोजगारी का क्या करना है, उन्मूलन करना है, मीन्स इसको अबोलिश करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करना है अगर हम सत्ता में आएंगे तो। इस तरह से कुछ ना कुछ पॉलिसीज बना के चलती है हर एक पार्टी। और नेशनल इंटरेस्ट मीन्स जो देश के हित में होती है, ऐसी चीजों को ये लेकर चलते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, पार्टीज ट्राई टू परस्यू पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द अदर। ये क्या कहता है कि मान लो एक ने तो मुद्दा लिया बेरोजगारी का कि भी हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, दूसरे ने मुद्दा लिया कि बेसिक एमिनिटीज जो हैं, लाइक आप शिक्षा या स्वास्थ्य की बात कर लो, उनकी का जो प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट के थ्रू वो कम है, दूसरी पार्टी ने बोला कि हम सबसे पहले बेसिक एमिनिटीज आम लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो एक का एजेंडा क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर देना, और दूसरे का एजेंडा क्या हो गया, बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करना। अब लोगों को जो ज्यादा बेटर लगेगा, जिस पोर्शन को ज्यादा बेटर लगेगा, उस पार्टी को क्या कर देंगे, वोट दे देंगे। और इस तरीके से लोगों को परस्यूट करने की कोशिश करते हैं, अपने पॉलिसीज के थ्रू लुभाने की कोशिश करते हैं कि हम ये काम नेशनल इंटरेस्ट के लिए करेंगे, और उनको वोट दी जाती है। और ये बताते हैं कि हम दूसरे से क्यों बेहतर हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अब ये जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई, जो मुद्दा उन्होंने लिया, उसको वो कैसे पूरा करते हैं, वो पूरा करते हैं पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस के थ्रू जब उन्हें सपोर्ट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिलती है
वो जीत जाती है और जीतने के बाद वो इन पॉलिसीज को पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें जरूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की। अब एग्जांपल अगर आप ले तो नेशनल लेवल पर दो ही मेन पार्टी इस टाइम पर हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप बीजेपी भी बोल सकते हैं, कांग्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। टिल देन कीप वॉचिंग।